नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रईस में। आशा करते हैं कि आप अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में। दोस्तों, आज एक वैकेंसी आई है NTA विश्व भारती नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2023। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट का यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, विश्व भारती एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 01/2023 शॉर्ट डिटेल्स नोटिफिकेशन घोषित कर दिया गया है और फॉर्म अप्लाई करने का भी डेट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, आप लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए sarkaririzult.com को आप विजिट करें, आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट वहाँ से सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ अप्लीकेशन जो आपको स्टार्ट होने वाला है 17 तारीख से स्टार्ट होना है, यानी 17 अप्रैल से, और लास्ट डेट आपको 16 मई है। वही दोस्तों एग्ज़ाम की लास्ट डेट जो है यहाँ पे 16/5/2023 है, और दोस्तों आपका एग्ज़ाम डेट है वो बाद में जारी किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट वाई यहाँ पे जो एग्ज़ाम फी है, यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रुप सी के पोस्टें हैं उनमें जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 900 रुपये एग्ज़ाम फी रखे गए हैं, SST के 225 रुपये रखे गए हैं, ऑल कैटेगरी फीमेल के 0 है और PH दिव्यांग के 0 है। और यहाँ पे बी पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1200 रुपये, SST के 300 रुपये और फीमेल कैटेगरी के 0 रखा गया है, और ए पोस्ट के लिए 1600 और SST के लिए यहाँ पे 400 रुपया रखा गया है। तो दोस्तों, अगर आप इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम एज रखा गया है, यहाँ पे कोई मिनिमम एज नहीं रखा गया है, और यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे 32 साल सी पोस्ट के लिए, 35 साल आपको बी पोस्ट के लिए और 40 साल ए पोस्ट के लिए रखा गया है, और मैक्सिमम एज फॉर लेवल ए 12 से 14 जो पोस्टें हैं जो गजेटेड उनका लिए 50 से 57 साल रखा गया है, और आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर के 709 पोस्ट की वैकेंसी आई है, जिसमें जो मेजर वैकेंसी है यहाँ पे जो ग्रुप सी यानी जो LDC का है, लोअर डिवीजन क्लर्क का है, वो 99 है, और इसके लिए आपको बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम में चाहिए और इंग्लिश में आपके टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और दोस्तों, और दूसरा मेजर वैकेंसी यहाँ पे है जो MTS का है, और इसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, और साथ में अगर ITI सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप सी में अपर डिवीजन क्लर्क का है जिसमें 29 पोस्ट हैं, और यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है और 2 साल की एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और टाइपिंग यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पोस्ट हैं, तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके पूरा देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए कितने सीट वैकेंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार इन सारे पोस्टों का सिलेबस क्या होगा। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो पेपर वन होगा, इसका सारा यहाँ पे डिटेल्स, किस सेगमेंट से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 मार्क्स होंगे, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के यहाँ पे 35 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे टोटल 70 मार्क्स होंगे। चौथे नंबर पर है द ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 प्रश्न होंगे और 60 नंबर के होंगे, आप इसमें दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस से भी प्रश्न आएंगे जो यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे। तो दोस्तों, ये जो सिलेबस है, जो ये एग्ज़ाम जो NTA कराता है यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है, और इसका सिलेबस सेम ही होता है। जैसे मैं अभी हाल फिलहाल में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग पोस्ट के वैकेंसी निकाले गए थे, उनका सिलेबस सेम ही है जो विश्व भारती संगठन द्वारा जारी किया गया है। वही दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस में देखें, जनरल अवेयरनेस में आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन विल बी डिजाइनेड टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट एंड इट्स रिलेवेंस सोसाइटी। द क्वेश्चन विल बी आल्सो डिजाइनेड द टेस्ट नॉलेज ऑफ द करेंट इवेंट्स एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एडुकेटेड पर्सन। द टेस्ट विल बी इंक्लूडेड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबोरियस कंट्री, स्पेशली pertaining to history, Indian polity, constitution, art, culture, geography, economics, general policy, science, scientific research और national, international organization, institute, national and international event। तो दोस्तों, देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे सारे जो इवेंट्स हैं यहाँ पे पूछे जाएंगे, आपको करेंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, और यहाँ पे सारे सेक्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही दोस्तों, रीजनिंग के यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे सरोलिज्म हो गया, सारे इसमें जो टॉपिक है वर्बल, नॉन वर्बल, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, यहाँ पे सारे चीज़ पूछे जाएंगे। उसके बाद में जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, विजुअल मेमोरी हो गया,
यहाँ पे सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। वही दोस्तों मैथ में यहाँ पे वही दोस्तों मैथमेटिक्स एबिलिटी में यहाँ पे देखें तो ज़्यादातर अर्थमेटिक्स से पूछे जाएंगे और इसमें कुछ मेंसुरेशन भी हैं, तो मेंसुरेशन ज़्यादा जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे। तो दोस्तों इसमें जो मेन है मेजर पार्ट जो है मैथ में वो अर्थमेटिक का ही है। और यहाँ पे लैंग्वेज में आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं। उसमें आपको अगर इंग्लिश चूज करते हैं वेकुलरी ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर सिनोनिम एंटोनिम्स ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वही कंप्यूटर से आपको बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जैसे में कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया, बेसिक एप्लीकेशंस हो गए और कंपोनेंट्स हो गए, और इस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा सकता है, सिस्टम वर्ड प्रोसेसिंग इंटरनल सिक्योरिटी नेटवर्क इत्यादि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं जो यहाँ पे जो सी वाले पोस्ट है इसके यहाँ पे फाइनली सारे सेगमेंट किस किस सेगमेंट से कितने प्रश्न आएंगे और कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे सारे सिलेबस में यहाँ पे मेंशन किया गया है। वही दोस्तों यहाँ पे पेपर टू होंगे जो कुछ जैसे में डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए सेक्शन ऑफिसर के लिए इसे जो प्रश्न होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो मेजर पोस्टें हैं वो सी लेवल का ही हैं और यहाँ पे ज़्यादातर अभ्यर्थी सी लेवल में ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। वही दोस्तों देख सकते हैं सिस्टम प्रोग्रामर अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पे सारे का अलग अलग यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दें। और जो NTA है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एग्ज़ाम बहुत ही फास्ट कराता है, आपको कम समय में ही फाइनल करके दे देगा। आपको फॉर्म भरने के एक महीना के बाद ही आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा और आपको जल्द से जल्द ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट करा लेता है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो स्किल टेस्ट होगी इसके भी सारे सिलेबस दे रखे हैं कि 10 मिनट में आपको जो PA है यानी प्राइवेट सेक्रेटरी है इसके कितने डिक्लेरेशन पूछे जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन पूछे जाएंगे, सारे इसमें मेंशन किया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।